हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करना चाह रहे हैं यूनिट you know, टू ए, लास्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट क्योंकि लास्ट लेक्चर के हमें चार पार्ट्स करने पड़ गए थे दैट वाज टू मच लेंथ थी लास्ट पार्ट कंसिस्ट उसे स्टैंड बुलियन अलजेब्रा के कवानीन कौन कौन से कवानीन आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एट द लास्ट आइडेंटिटी लॉ इन चार लाज को वैसे लॉज ये ज्यादा हैं लेकिन हम इन चार लाज को हमें अपने कोर्स के हिसाब से फॉलो करेंगे सो so, आगे चलते हैं हम लोग द लाज ऑफ हेल्प्स अस तो टू द कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन के अलजेब्रा के कवान किस लिए बनाए गए ताकि इनके जरिए हम पेचीदा मसाइल को आसान अल्फाज में बयान कर सकें बुरे जबरा के कवानी हमें बोली की पेचीदा मसाइल को आसान अल्फाज में लिखने में मदद करते हैं तो so आज हम ये चार पढ़ेंगे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लॉ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है इट स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रपोजिशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट के वो कहते हैं कि अगर आप दो एक्सप्रेशन को या बोल इन को इन बिटवीन ऑपरेटर लगा के अगर आप उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो उनकी तरतीब अगर आप चेंज भी कर देंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कानून हमें बतलाता है कि दो या दो से ज्यादा परपोजिशन की तरतीब एम नहीं होती क्या मतलब इसका ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए यानी कि अगर आप ये जो दो वेरिएबल्स हैं ए डॉट बी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऑपरेटर लगा रहे हैं एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो इसका मतलब बी ए भी इसकी अगर हम उलट देंगे तो उस पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके से ए प्लस बी है तो बी प्लस ए करने से इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हम इसको प्रूफ देखते हैं कम टेबल के, के जरिए मुबादला Uh, का अपना uh, इसकी जो है हमारे प्रूफ देखते हैं ये चार कम्बिनेशन हमारे सामने हैं ए और बी के फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू सबसे पहले हम देखते हैं कि ए डॉट बी हमने कैलकुलेट किया ए फॉल्स बी फॉल्स तो ए बी बी फॉल्स हो गया इस तरीके से फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया हम ये जरब दे रहे हैं ठीक है अपना एंड को ऑपरेटर लगा रहे हैं पीछे मैंने ये सारा टेबल पड़ा हुआ है फॉल्स लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपने नहीं देखा तो उसका आप लास्ट लेक्चर सुन लें और इस तरीके से हम बी डॉट ए कैलकुलेट करेंगे सो अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो है ए डॉट बी कॉलम और बी डॉट ए कॉलम की जो वैल्यू है वो सेम है ठीक है ना कि ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम ही हैं सो so ये प्रूव करता है इट्स वेरीफाइड लॉ फॉर एंड ऑपरेशन इस तरीके से हम आर ऑपरेशन को भी जो है ना वो प्रूव कर सकते हैं ए प्लस बी को सो दिस इज योर असाइनमेंट्स सॉल्व इट एंड राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन सोसिएटिव लॉ हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम कानून तलाजम कहते हैं इस कानून के मुताबिक

इस कानून के मुताबिक अगर एक्सप्रेशंस के एक ग्रुप की तरतीब को बदल दिया जाए तो उसके नतज पर कोई फर्क नहीं पड़ता ये कानून एंड और आर्बिटर दोनों के मामले में ये यकसा मौसर है कैसे हम देखते हैं जैसे ये सामने आ रहा है इसके दो इसके भी दो पोर्शन हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए यानी कि अपने पहले ए प्लस बी को जमा करके फिर उसमें सी जमा करेंगे तो अगर आप इसकी तरती उलट कर देंगे पहले आप बी प्लस सी को जमा करके फिर आप उसमें ए में जमा करेंगे तो इसके रिजल्ट पे कोई फर्क इस तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है वो डॉट प्रोडक्ट के लिए है इंटू ए डॉट बी इंटू सी टू ए इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस बी डॉट सी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं इसके अगर हम टेबल देखें क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो तीन हैं लिहाजा हमने पढ़ा था फार्मूला पिछले लेक्चर के अंदर टू रेस पार एन टू रेस पार अगर यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स हैं तो आठ वेरिएशन बनेंगे जो कि आपके सामने हैं ए प्लस ए बी और सी के आठ कम्बिनेशन बनेंगे अब हम पहले देखते हैं ए प्लस बी को निकालना है सो ए और बी कॉलम को आपने जेन में रख के इसको कैलकुलेट करना है और ये आठ कम्बिनेशन आपके सामने है तो ए प्लस बी को हमने कैलकुलेट किया बी प्लस सी को कैलकुलेट किया बी प्लस सी को क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है तो हम इनको पहले सॉल्व करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स के रूल्स के मुताबिक सो देन हम ए प्लस बी कालम और हमारा थर्ड कालम जो सी वाला है उसको हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास जाना एक साइड वन साइड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी इस तरीके से हम बी प्लस सी को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरी साइड जो है ना राइट हैंड साइड जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगी तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल्स रिजल्ट दे रही हैं दोनों का जो है वो रिजल्ट जो है वो सेम है इस तरीके से हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको कानून तकसीमी कहती हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए डॉट इन टू बी प्लस सी इज इक्ल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड सिमिलरली ए प्लस इन टू बी डॉट सी इज इक्ल टू बी ए प्लस बी डॉट स्मॉल ब्रैकेट्स ए प्लस सी इसके भी दो पार्ट्स हैं कानून तकसीमी के लिहाज से ये दोनों ऑपरेटर का कम्बिनेशन है ए और अपना ए एन ऑपरेटर का और आर ऑपरेटर का इसका ट्रूथ टेबल आपके सामने है इसमें भी हमने वैसे ही कैलकुलेट किया कि ए डॉट बी हम ए डॉट बी के एक साइड पहले हमने कैलकुलेट की फिर हमने दूसरी साइड कैलकुलेट की तो इसका रिजल्ट भी सेम ही है इस तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है ये भी हम यहाँ पर जो एक और टेबल के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है वो सो so, अब हम इसका एक लास्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ उसको देखते हैं जो कि जमाई और जरबी जाती कानून जिसको हम कहते हैं इफ ए वेरिएबल इज ऑर्ड विद द फॉल्स द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल के ए ऑपरेटर और फॉल्स इज इक्वल टू ए अगर मुतगैर जिसको हम प्रपोजिशन कहते थे पहले को फॉल्स के साथ और किया जाता है तो नतीजा हमेशा उसी मुतर यानी के बराबर ही होगा जैसे ए और फाल्स को हम यहाँ पर जीरो भी कह सकते हैं एंड इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम जरबी जाति कानून कहते हैं क्योंकि ये दो कानून है जमाई जाति कानून और जरबी जाति कानून एंड इफ ए वेरिएबल इज एंड विद ट्रू देन दे रिजल्ट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि अगर मतगैर को प्रपोजिशन को टू के साथ एंड किया जाए तो नतीजा हमेशा इसी मुतगैयर के बराबर ही होता है यानी कि ए एंड ट्रू तो ये भी आंसर जो है वो ए ही आएगा यानी कि इसको अगर हम न्यूमेरिकल शक्ल में हम देखना चाहेंगे तो क्या बनता है फरफास्ट एक्सप्रेशन जिसको हम देख रहे थे ए प्लस जीरो फॉल्स इजिकल टू ए अब इसके लिए अगर हम लेट ए की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं पहली ऑप्शन तो क्या रिजल्ट आता है देन ए प्लस जीरो इजिकल टू ए वही एक्सप्रेशन लिखा उसमें हमने ए की वैल्यू जीरो पुट की तो ये हमारे पास जो है वो आंसर वही जीरो ही आया और इसका अगर हम दूसरा पार्ट करें अगर हम ए की वैल्यू वन पुट करें देन क्या होता है ए प्लस वन इजिकल टू ए अब हम वन प्लस जीरो इजिकल टू

के ग्रुप पर लागू करते हैं एक से ज्यादा प्रपोजिशन के ग्रुप पर लागू करते हैं तो मन की एक्सप्रेशन हासिल होता है जैसे यहाँ पर हमारे सामने है पी एंड क्यू एक होल के ऊपर नॉट बेटर लगा लेते हैं तीसरा जो है वो पी आर क्यू ये जो है ना वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है सो so, टुडे और इसको हम जो है ना वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं